हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ एक फेस प्राइमर का, जिसे मुझे खरीदे हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और मैंने उसे यूज़ किया है एंड 2 से 3 बार मैंने उसे अभी तक यूज़ किया है एंड आज मैं उसका रिव्यू करने वाली हूँ फाइनली। सो मैं रिव्यू करने वाली हूँ फेसेस कैनेडा अल्टीम प्रो परफेक्टिंग प्राइमर का एंड दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग और दिस इज़ इनर पैकेजिंग। तो चलिए हम इसका देखते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसका प्राइस 899 रुपीज़ है। इसकी शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी 30 ml है। जी हाँ, ये इस तरह के ट्यूब पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग में आता है। आप इसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं ट्विस्ट करके और बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है। और फेसेस की जो प्रोडक्ट की अल्टीम प्रो की जो पैकेजिंग होती है वो इस तरह की ब्लैक एंड सिल्वरिश कलर में होती है। तो दिस लुक्स वेरी लग्जूरियस, बहुत ही एकदम यूनिक और लग्जूरियस पैटर्न लगता है। तो डेट इज़ द वेरी नाइस। और चलिए हम इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि एन एफिशिएंट फॉर्मुलेशन विद द मैटिफाइंग इफेक्ट मिनिमाइज पोर एंड फाइन लाइंस फॉर्मिंग परफेक्ट बेस फॉर एवरी फॉर एनी मेकअप। स्मूथ सिल्की एंड सॉफ्ट टच मैट स्लाइटली टिंटेड है। लाइट वेट फॉर्मूला है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री ऑयल है और नैनो इंग्रेडिएंट है एंड मिनरल ऑयल फ्री भी हैं। और इसे यूज़ करने का ना डायरेक्शन दे रखा है कि अ बामी प्राइमर टू बी यूज्ड अलोन एज अ प्रोफेशनल नेचुरल टच अप एंड और एज अ बेस। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑन योर फिंगर एंड अप्लाई इट वेल ऑन योर फेस एंड नेक। एंड साथ ही ये फॉर्मुलेटेड इन इटली फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली एंड शेक वेल बिफोर यूज़। तो आप इसे ना यूज़ करने से पहले, जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ना, तो मैंने इसे शेक नहीं किया था, मैंने ऐसे जिस पर पढ़ा नहीं था। तो उसमें से कुछ वाटरी पिच कलर का फॉर्मूला निकला था। तो मैं थोड़ा सा मैंने एक्चुअली आई थॉट कि ये प्राइमर ऐसा ही होगा, बट जब मैंने उसको अप्लाई किया, उस वाटर को अप्लाई किया, तो मैंने कहा नहीं, समथिंग मैं रॉन्ग जा रही हूँ। तो मैंने इस पर के इंस्ट्रक्शंस पढ़े और फिर मैंने इसे अच्छे से शेक करने के बाद इसका फॉर्मूला निकाला। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसका फॉर्मूला। एंड इस तरह की इसकी पैकेजिंग आती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल होता है। एक्सेस प्रोडक्ट नहीं निकलता है बाहर, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये उतना ही निकल पाएगा जितना कि आप निकालना चाहते हैं। तो चलिए, और गाइज इतनी सी क्वांटिटी जो है ना वो आपके फेस और नेक के लिए इनफ है, क्योंकि फेस प्राइमर जो होता है ना वो फाउंडेशन और हमारी स्किन के बीच में एक बैरियर का काम करता है, जो हमारी फाउंडेशन हमारी स्किन को हार्म नहीं पहुंचाता है। तो ये हमारे पोर्स को क्लोज करता है ताकि फाउंडेशन हमारे पोर्स में जाकर और पिंपल्स ना क्रिएट करें। सो इतना सा जो एरिया है वो इस एरिया और टी जोन के लिए इनफ होता है। आप चाहे तो नेक पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इतने एरिया पर नेक पर इस्तेमाल करती हूँ। तो और इसका फॉर्मूला है ना गाइस, ये देखिए एकदम पिच कलर का निकला है एंड इट्स अ वेरी सिल्की स्मूथ और इतना लाइट वेट इसका टेक्सचर है ना गाइस कि मैं क्या बताऊँ। आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। और देखिए किस तरह से एकदम से परफेक्टली ये मेरी स्किन में ब्लेंड हो चुका है और इसका जो फॉर्मूला है वो इतना क्रीमी सॉफ्ट सटल है ना कि इसे मैं छू रही हूँ ना तभी मैं फील कर पा रही हूँ कि इसका टेक्सचर इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट और मस्ट हैव प्रोडक्ट है। अगर आपकी शादी होने वाली है या आपकी किसी दोस्त की शादी होने वाली है, आपकी किसी फ्रेंड की शादी होने वाली है और अगर अभी तक उसने मेकअप परचेज़ नहीं किया है ना, तो मैं उससे हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप उससे ज़रूर बताएं, आप खुद अपने लिए परचेज़ कर सकती हैं। और अगर कोई बॉय है और उसकी सिस्टर की या उसकी नोन में किसी की शादी होने वाली, तो उसे ये प्राइमर ही सजेस्ट करिएगा और उनके साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा ताकि उन्हें आइडिया लग जाएगा कि दिस इज़ बेस्ट प्राइमर। और आप देख सकते हैं कि मैंने ये फेस प्राइमर इस्तेमाल करने के बाद ये मेकअप लुक लिया है और मुझे मेकअप लुक लिए ऑलमोस्ट 7 to 8 hours हो चुके हैं एज इट इज़। जी हाँ, अब देख सकते हैं और अभी तक मेरे मेकअप को इसने बहुत ही अच्छे से सेटल डाउन करके रखा है। मैंने मेकअप करने के 2 घंटे बाद एक छोटा सा मामूली सा 1% टचअप दिया था, वो भी सिर्फ इस एरिया पे, बिकॉज थोड़ा सा काजल फैल गया था। सो दैट्स वाई मैंने ये
थोड़ा सा यहाँ पर टचअप किया था, बाकी ऑल ओवर फेस पर आप देख सकते हैं कि एज इट इज़ मेकअप स्टे है अभी तक, और बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है, ऑक्सीडाइज नहीं किया है मेरे फेस पे मेकअप ने. सो ओवरऑल दिस इज़ बेस्ट प्राइमर एवर. जी हाँ, ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, डेफिनेटली आपको इसे परचेज करना चाहिए, आंखें बंद करके परचेज करना चाहिए. 10 out of 10 है और बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है इसका, एंड फेसेस कैनेडा का दिस प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.